हेलो। हाँ बेटा, कहाँ हो? कैफे पर। घर कब तक आओगे? पता नहीं, मैं शाम को टाइम से आ जाऊंगी घर। एक कॉफी। लड़की तो कहीं देखी उसे लग रही है। चेहरा कहीं देखा उसे लग रहा है। कहाँ देखा है? कौन है ये? याद क्यों नहीं आया? कहीं ये पूछ के आता। एक्सक्यूज मी, जी क्या मैं आपको जानता हूँ? जी मुझे नहीं लगता। सॉरी। कहाँ देखा है इसको? याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं तो देखा है इसको। वही है शायद, वही है। आप केवी कैंट की स्टूडेंट है ना? देखा, मैंने कहा था ना, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सेक्शन बी। हाँ भैया, यहीं रख दो। पता है, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। वैसे क्या कर रही हो आजकल? अरे खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आइए ना, अरे आइए ना, बातें करते हैं। हाँ तो कहाँ थे हम? आजकल क्या कर रही हो? इवेंट मैनेजमेंट में हूँ। अच्छा, क्या करते हैं उसमें? कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता है, सारा कोऑर्डिनेशन देखना होता है, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको वर्क प्रोसेस समझाना। अच्छा, मतलब शादी और कीर्तन करवाती हो? ओ प्लीज, इट्स मोर लाइक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, लाइक प्रोडक्शन वर्क, कॉर्पोरेट इवेंट, मैन पावर हैंडलिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। बाय द वे, आप क्या करते हैं? मैं रंगकर्मी। रंगकर्म? रंगकर्मी हूँ, नाटक करता हूँ, कराता हूँ। यहीं पास ही के स्कूल में एज अ टीचर हूँ। अभी ब्रेक टाइम था तो उधर चला आया। बाय द वे, परसों संडे को हमारा प्ले है, आप आ रहे हो ना? श्योर। हाँ आना जरूर, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा। गर्लफ्रेंड? हाँ भाई, शादी नहीं हुई मेरी अभी तक। लीगल गर्लफ्रेंड है, वो भी नाटक करती है, और हम दोनों है ना साथ में प्ले डायरेक्ट करते हैं। अच्छा सुनो, मैंने सुना है हमारे क्लास की तकरीबन लड़कियों की शादी हो चुकी है। ऑलमोस्ट, बहुतों की शादी में तो मैं गई भी हूँ। ओ क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, पता है स्कूल टाइम में हमारी क्लास में एक लड़की थी, मुझे बहुत पसंद थी, मतलब मेरा पहला प्यारा। हमारी क्लास में? हाँ, बहुत पसंद करता था मैं उसे। उस समय का प्यार ना बड़ा ही आश्चर्यजनक होता था। वीर जरा है, बड़ी शिद्दत वाला, अजीबो गरीब, मतलब गरीब भी इतना कि अगर कोई किसी को ना भी मिले ना तो उसकी याद में पूरा जीवन निकाल दे। पता है, हम दोनों की बातचीत बहुत कम होती थी, पर जितनी भी होती थी ना, मैं उसे घर आकर के अपनी डायरी में लिख लिया करता था और बार बार उसे पढ़ा करता। एक बात बताऊं, हंसना मत, मैंने उसके लिए करवा चौथ के व्रत भी रखे थे। What? हाँ, मैंने भगवान के लिए कभी नहीं रखे, लेकिन उसके लिए रखे थे। तो उससे कभी बताया नहीं? बताया था, मैंने तो ऑफर भी मारा था। और वो चॉकलेट, वो कौन सी होती है लालच वाली, वो टेम्पटेशन? हाँ, मैंने उस चॉकलेट का नाम भी पहली बार ही सुना था। चॉकलेट भी दी थी मैंने उसे। तो क्या बोली वो? मना कर दिया,
और वो चॉकलेट भी ले गई। पता है मैं उस दिन बहुत रोया। फिर ऐसे ही कई सालों तक उस डायरी को पढ़ता रहा, रोता रहा। तो दोबारा कोशिश नहीं की उसके बाद? हाँ की, पूरे 2 साल तक। फिर उसका स्कूल शिफ्ट हो गया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। फिर तो मैं ना बस उसका इंतजार किया करता था, काश वो आज दिख जाए, काश वो आज दिख जाए। और जिस दिन वो दिख जाती ना, मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती। मतलब दिल है ना, धक धक धक, चेहरा लाल, आंखें बड़ी बड़ी है ना, मैं बहुत खुश हो जाता। फिर उसका घर भी शिफ्ट हो गया, वो दिखना भी बंद हो गई। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला उसका। ओह, तो तुम बहुत प्यार करते थे उससे। अच्छा, तो तुम उसे भूले कैसे? भूला नहीं, बस अब याद नहीं करता। वो तो आज तुम मिल गई तो कुछ स्कूल टाइम की यादें आ गई। वैसे ना मेरा बहुत मन है ये जानने का, हमारी क्लास में वो लड़की थी कौन? प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं है। अरे भाई 15 साल हो चुके हैं और पिछले 10 साल से तो कोई जिक्र ही नहीं चला। चलो अब छोड़ो, कोई हिंट दो, कहाँ बैठती थी वो लड़की? वो दरवाजे के पास बैठती थी। कौन सी रो? अब रो नहीं, वो हिस्ट्री वाली मैडम थी ना अलका, उसकी बड़ी फेवरेट थी। प्रीति, राइट? ना ना ना, प्रीति नहीं, शॉर्ट हेयर थे, चश्मा लगाती थी, अरे झल्ली सी थी यार, टिफिन बॉक्स भी नहीं खोलता था उससे, हम ही खोल कर देते थे, एक्चुअली टाइट भी हम ही कर देते थे। मिताली? मिताली, राइट 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 राइट। वो मैं ही थी। क्यों, मैं नहीं हो सकती? नहीं, मतलब बहुत बदल गई हो तुम। कॉफी पियो। मैं तो उम्मीद भी छोड़ चुका था कि दोबारा कभी बात भी होगी तुमसे। एक बात बताओ, क्या तुम अब भी वो किताब पढ़ते हो? सच बोलूं तो नहीं, बहुत सालों तक पढ़ी, फिर उठा करके कबर्ड में बंद कर दी और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बहुत कोशिश की कि तुम्हें ना याद करूं और अंत में मैंने अपने दिल को मना ही लिया। हम है ना, किसी एक दुख के साथ पूरा जीवन नहीं काट सकते। मेरी क्लास का टाइम हो गया, आपको तो पता ही है कि अगर टीचर थोड़ी देर भी क्लास में लेट से पहुंचे तो बच्चे क्लास रूम में और खेल के मैदान में कोई फर्क ही नहीं करते। मैं चलता हूँ, बाय द वे संडे को आ रही हूँ ना प्ले देखने के लिए।